नेपाल में मूसलाधार मुसीबत जानलेवा बनती जा रही है। नेपाल में अब तक बारिश, बिजली गिरने, लैंडस्लाइड की वजह से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू शहर पर सैलाब ने कब्जा कर लिया। नदियां अब घुसपैठ करके सड़कों तक आ गई हैं। पानी इतना बरसा कि लोग अपने घर में कैद रहने को मजबूर हो गए। सैलानियों से गुलजार रहने वाला काठमांडू इन दिनों पानी पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार मुसीबत के आगे मानो नेपाल के कई जिलों ने सरेंडर कर दिया। नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जैसे शहर पूरी तरह जलमग्न नजर आ रहे हैं। काठमांडू की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती दिखती थी, वहां अब सैलाब का बसेरा दिख रहा है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से नदियां शहरों में आ गई। काठमांडू में स्कूल को देखिए, उसके पिलर देखकर अंदाजा लगाइए ये बाढ़ क्यों जानलेवा हो जा रही है। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश के बाद हुए हादसों और लैंडस्लाइड से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी शख्स को देखिए, जो अपने घर की खिड़की से चारों तरफ भरे हुए पानी को देख रहा है। वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। हालसम्म 55 बाढ़ी को घटना बाट 4 जना को मृत्यु, 1 जना बेपत्ता र 2 जना घाइते भएका छन्। पहिरो बाट 24 जना को मृत्यु र 19 जना घाइते भएका छन्। 77 भारी वर्षा का 77 ठाउँको भारी वर्षा का घटना बाट निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बारिश काल बनकर आई है। उन्हें अपना घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। नेपाल में बाढ़ की वजह से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके बाद शासन अलर्ट पर है। आज तक नेपाल में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने बिहार की मुश्किलें बढ़ा दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के गोपालगंज, बेतिया, बगहा, सुपौल और शिवहर जैसे जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के 36 गेट खोले जा चुके हैं, जिससे निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि नेपाल बैराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए उच्च शरण स्थल पर जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात बेकाबू होने लगे। बिहार के बगहा में गंडक नदी उफान पर है। यहाँ वाल्मीकि नगर बैराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बिहार पर इस वक्त अगर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है नेपाल से आने वाली वो नारायणी नदी, जो वाल्मीकि नगर के इसी बैराज पर पहुंचकर गंडक नदी में तब्दील हो जाती है। यानी नारायणी नदी, जो नेपाल की कई छोटी नदियों को अपने साथ लेते हुए यहाँ पहुंचती है, और यहाँ देखिए ये गंडक बराज है, वाल्मीकि नगर का बराज, जहाँ इस वक्त गंडक नदी उफान पे है और 36 गेट हैं, अलग अलग 36 फाटक हैं इस बराज पे, और पानी का दबाव इतना ज्यादा है इस वक्त कि सभी गेट बराज के खोल दिए गए। बगहा के दियारा में करीब 150 से ज्यादा किसान बाढ़ में फंस गए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की मदद से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। गंडक के तराई वाले इलाकों में सैलाब का कब्जा दिख रहा है। देखिए कैसे ये किसान गर्दन तक पानी में डूबने के बाद भी संघर्ष कर रहा है। हालात को देखते हुए डीएम और एसपी ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ से जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। पानी की बढ़ोतरी हुई है और पानी की बढ़ोतरी के साथ ही साथ हम लोगों की पूरी तैयारी है। पूरा जिला प्रशासन अलर्ट है। लोगों को निचले इलाके में माइकिंग कराया गया है कि सब लोग जो नीचे के इलाके में रहते हैं, गांव हैं, टोले हैं, वो लोग सुरक्षित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें, वहां रहें। उसके लिए विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, सामुदायिक भवन चिन्हित किए गए हैं और अन्य बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। वहीं बाढ़ से हालात बिगड़ने शुरू हो गए तो गाँव वालों को डर सता रहा है, एक बार फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों के लिए जिला प्रशासन ने कई कैंप भी लगाए हैं।
50 60 आदमी रेता में घेराई रहा। रेता मतलब दियारा में काम कर, दियारा में काम करने गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद 30 आदमी आ गया और 30 आदमी उधर ही अभी। तो अंदाजा किसी को नहीं था कि पानी इस तरह से बढ़ जाएगा अचानक? नहीं, अंदाजा तो नहीं था। अंदाजा हम लोग निपल आदमी है, ये क्या बताएंगे जो कब पानी बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा। अचानक आ गया पानी, 30 आदमी उधर है, 30 आदमी अभी आया है। बिहार के गोपालगंज में भी गंडक नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। वही पुलिस प्रशासन की टीम तटबंधों की निगरानी में जुट गई है। लगातार जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए बांध की सुरक्षा के लिए भी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है और रात्रि में भी और तथा दिन के समय भी गश्त लगाई जा रही है बांध के ऊपर, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जल संसाधन विभाग ने नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया। आप लोग से अनुरोध है कि अपने जान माल की रक्षा के लिए उच्च शरण स्थल पर जाने की कृपा करेंगे, धन्यवाद। लोग पिछले साल की बाढ़ से बर्बादी के मंजर को याद कर सिहर उठे। दरअसल नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब शिवहर जिले के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल स्तर में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन हम लोग चौकस हैं और जल संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी, स्कूटी इंजीनियर, एसएसए इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सभी लोग लगे हुए हैं। थोड़ा सा मोहाली के पास हल्का सा कटाव हो रहा है, इसको दुरुस्त कर लिया है। उधर सुपौल में भी कोसी का तांडव देखा जा रहा है। नेपाल कोसी बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों की गृहस्थी पानी में डूब रही है। गांव वाले कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कुदरत के कहर से कैसे बचे। सर जी, इतने दिन से खाना न बना रह लिए, बच्चा से सब भूखे छे, चौकी पे सब सामान रखल छे, पान घर में घुस गेले काल से इतने बाढ़ उठल छे, भूखे छे सब बाल बच्चे। वही पूर्वी यूपी में भी बाढ़ को लेकर योगी सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर 2400 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। गोपालगंज से विकास दुबे, शिवहर से केशव आनंद, सुपौल से रामचंद्र मेहता और शशि भूषण के साथ बघा आज तक।